नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कैसे जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं, जीटीटी ऑर्डर होता क्या है। तो डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे जीरोधा पे जीटीटी ऑर्डर हम कैसे लगाते हैं। जो हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है या पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक्स बाय करते हैं तो उसमें हम जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जिसको हम जीटीटी ऑर्डर के रूप में लगाते हैं। तो जीटीटी ऑर्डर होता है कि आप अपने पोजिशनल ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि कोई भी स्टॉक अगर क्रैश होता है, मतलब बहुत बड़ा फॉल आता है उस स्टॉक में, तो आप जो है अच्छे प्रॉफिट पर एग्जिट कर सकें। चाहे आप स्टॉक्स को बाय करके भूल जाते हैं, मतलब स्टॉक्स को अपने अकाउंट में छोड़ देते हैं बाय करके, तो आप उसमें जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं, जिससे कि कभी प्राइस उसका काफ़ी क्रेश होता है, आप रेगुलर मार्केट में नहीं देखते हैं, स्टॉक को चेक नहीं करते हैं, तो वो अपने प्राइस को हिट करेगा, आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगा और अपने आप एग्जिट हो जाएगा। जैसा कि आज हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ग्रेनुलेज इंडिया में हमने स्टॉप लॉस लगाया था, जीटीटी ऑर्डर लगाया था, जो कि आज हमारा हिट किया है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि जीटीटी ऑर्डर आप कैसे लगा सकते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह है हमारा पोर्टफोलियो, जिसमें से एक स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। आपको पूरा पोर्टफोलियो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन इसमें एक हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसका मैं 8 स्टॉक्स काफी पहले बाय किया है, देखते हैं 1660, ये 2 साल पहले हमने बाय किया है इस स्टॉक को। तो इसमें आपको हम जीटीटी ऑर्डर लगा के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, देखते हैं आप अपने जो मोबाइल ऐप है उसमें भी लगा सकते हैं, सेम नियम है दोनों में। तो दोनों उसमें भी आप इस पर होल्डिंग्स पर क्लिक करेंगे, जो आपको होल्डिंग में स्टॉक होगा तो वहां पर जीटीटी आ जाएगा। तो क्रिएट जीटीटी पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्रिएट जीटीटी पर क्लिक करेंगे, आपको इस तरह का वहां पे भी विंडो पे आ जाएगा बाय और सेल। तो आपने बाय करके रखा है, उसको सेल करना है, या तो हमें क्या करना है, मतलब जो स्टॉप लॉस है वो लेना है, या तो टारगेट लेना है। तो आपको या तो स्टॉप लॉस लेना है या तो टारगेट, आप दोनों लगा सकते हैं। तो जब दोनों, मतलब आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ लगाना है, तो आपको इस पर क्लिक करना है OCO। इसका मतलब हुआ वन कैंसिल अदर। अगर आपका टारगेट हिट होता है तो स्टॉप लॉस अपने आप उस समय आपका खत्म हो जाएगा, मतलब स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर जो आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है आपका, तो टारगेट वाला ऑर्डर जो अपने आप वो रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका OCO के मतलब। या आप सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, टारगेट आप अनलिमिटेड रखना चाहते हैं कि आप 10 साल के लिए होल्ड करेंगे, 15 साल के लिए होल्ड करेंगे, तो आपका टारगेट जो अनलिमिटेड होगा, तो यहाँ पर सिंगल क्लिक करेंगे। जैसे सिंगल क्लिक करेंगे तो सिर्फ स्टॉप लॉस यहाँ देख सकते हैं, एक ही ऑर्डर आपका प्लेस होगा, एक ही ऑर्डर का ऑप्शन आपके पास खुलेगा। काफ़ी बेहतरीन है जीटीटी ऑर्डर। जीटीटी ऑर्डर आपको सेफ रखता है, आपका स्टॉप लॉस जैसे हिट होता है तो आप वहाँ पर, मतलब जो अगर आपका शेयर मूव कर चुका ऊपर, तो अपना स्टॉप लॉस जो ऊपर बढ़ाते चलेंगे, मतलब इसको मॉडिफाई करते चलेंगे स्टॉप लॉस लगाने के बाद, जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। और अगर प्राइस नीचे आता है तो आपका जो सबसे फर्स्ट आप स्टॉप लॉस लगाएंगे उस पर आप एग्जिट हो जाएंगे। तो काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों एक साथ लगाना चाहते हैं तो OCO वन कैंसिल अदर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ दोनों ऑर्डर आ गया। तो स्टॉप लॉस चलिए हम लगा देते हैं। अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो प्राइस है वो देखते हैं 2043 रुपीज़ इसके आसपास है। तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे 1900 पर। तो ये हमारा जो स्टॉप लॉस आपके सामने लगा रहे हैं, ये हमेशा के लिए लगा हुआ रहेगा हमारे। तो यहाँ पर क्वांटिटी हमारे कई सारे ब्रोकर में अकाउंट है, जैसे आपका एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, उसके बाद आप स्टॉक, तो आप जो है चाहते हैं अकाउंट खुलाना तो आप जीरोधा में खुला सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग में ट्रेडिंग के लिए काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा मार्जिन देता है। तो हमारे कई जगह वहाँ पे भी स्टॉक्स बाय करके रखते हैं, यहाँ पे भी करते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्टॉक्स इसमें मात्र 8 है, तो 8 स्टॉक्स हो गया प्राइस हमारा। अब जो हमारा प्राइस होगा जिस पर ये हमारा ट्रिगर होगा 1900 पर, तो हमारा ये मान लेते हैं सेल होगा कितना पे, 1895 पे। तो ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस कि अगर ये शेयर काफ़ी नीचे आता है 1900 पर, तो ये हमारा स्टॉप लॉस को हिट करेगा। और टारगेट, तो यहाँ पर चलिए टारगेट हम दे देते हैं। तो टारगेट इसमें हमारा रहेगा कितना का, 4000 का। चलिए टारगेट दे देते हैं, हमारा ये 4000 का रहेगा। यहाँ पर क्वांटिटी हमारा 8 है, और यहाँ पर जो हमारा है प्राइस 8000 जैसे रीच करेगा, तो 4000 जैसे रीच करेगा तो 4005 रुपीज़ पर ये हमारा
क्या हो जाए, सेल हो जाए। तो ये हमने दोनों ऑर्डर लगा दिया एक साथ। अब प्लेस जैसे करेंगे, एक साथ दो ऑर्डर हमारा प्लेस होगा, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा तो ये टारगेट वाला ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा, या टारगेट हमारा जब भी अचीव होता है वन ईयर के अंदर, ये ऑर्डर आपका वन ईयर वैलिड रहता है। आप जो आज प्लेस कर रहे हैं आज से वन ईयर तक वैलिड होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा टारगेट है 85% रिटर्न देगा, और जो स्टॉप लॉस है हमारा वो है 11% पे। आप चाहे तो और स्टॉप लॉस को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज में आपको दिखा भी देगा आपका स्टॉप लॉस और टारगेट कितने परसेंटेज पे है। आप चाहे तो टारगेट को और बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं, आप जितना बड़ा टारगेट चाहे रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं ऑर्डर को। तो जैसे यहाँ पर आप ऑर्डर प्लेस करेंगे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अभी सर्वर थोड़ा प्रॉब्लम है, अभी ऑर्डर नहीं ले रहा है, क्योंकि अभी नाइट के जो है 12 o'clock से ज़्यादा हो चुका है, तो अभी सर्वर मेंटेनेंस में होगा। ऑर्डर ऐसे आप कभी भी प्लेस कर सकते हैं मार्केट टाइम में, मार्केट टाइम के बाद भी। और यहाँ पर बात बता दें, यहाँ जो आप स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं, जो ट्रिगर प्राइस होगा, ट्रिगर प्राइस होता है जहाँ पर प्राइस पहुँचेगा शेयर का फॉल करते हुए, गिरते हुए शेयर का प्राइस जब 1900 रुपये आएगा, तो जैसे 1900 पाएगा ये जो स्टॉप लॉस है आपका एक्टिव हो जाएगा। तो एक्टिव हो जाएगा तो यहां पर प्राइस क्या जाने वाला है, नीचे। तो ये जो स्टॉप लॉस का ट्रिगर प्राइस है, इससे आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो नीचे होना चाहिए। देखते हैं 1895 हमने रखा, इससे नीचे रखा है। वहीं टारगेट में प्राइस क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो 4000 पे हमने ट्रिगर प्राइस रखा है, यहां पर जैसे पहुंचेगा तो ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसके ऊपर जब जाएगा 4500 रुपीज पर ये शेयर का प्राइस, तब हमारा क्या होगा, ये सेल हो जाएगा। तो तब हमारा सेल हो जाएगा, प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो ये प्राइस हाई प्राइस मतलब ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस प्राइस है वो नीचे होना चाहिए ट्रिगर प्राइस से, और टारगेट प्राइस में जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो ट्रिगर प्राइस से ऊपर होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है और प्लेस कर देना है। कभी भी आपका JTT ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, मतलब जो पर्सनल ट्रेडिंग है, होल्डिंग्स है, उसमें स्टॉप लॉस लग जाएगा, और टारगेट आपका भी जो टारगेट का ऑर्डर है वो भी लग जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चाहे वह पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लेना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।